अगर आपको भी हर दिन एक जैसा खाना खाते खाते बोर लग जाए ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और इसके साथ बहुत ही टेस्टी भी बनती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दाल की दुल्हन। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आधा कटोरी चना दाल ले लिया है, ठीक आधा कटोरी ही हमें मसूर दाल लेना है। तो हम इसे पहले अच्छी तरह से धो लेंगे 2-3 बार। अभी धोने के बाद हम इसमें नमक देंगे और हल्दी देंगे और पानी को डाल के इसे हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो मैंने जो है ना, मैंने कुकर में बनाया है। अगर आप चाहे तो पतीले वगैरह में भी दाल को बॉईल कर सकते हैं, कुकर में जल्दी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसे 4 से 5 सीटी लगवा लिया है। आपको ना दाल को पूरा महीन कर लेना है, तो आप 6-7 सीटी भी लगवा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये रहा हमारे बची हुई रोटी का आटा, थोड़ा आटा बच गया था तो इसे हम बनाएंगे। तो ये जो आटे का बॉल्स है ना, इसे हम जैसे रोटी के लिए बेलते हैं ठीक उसी तरह से हमें बेल लेना है। रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, जैसे 1 रुपये का सिक्का होता है ना, तो आप उस हिसाब से इसका जो थिकनेस है आप रख सकते हैं। तो अभी देखिए हमने इसे बेल लिया है, तो अभी आपको ना कट करना है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप कुकी कटर का यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं ये जो ढक्कन है इसे मैं कट कर रही हूँ। आप ग्लास वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा साइज़ में ही कट किया है। अगर आप चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अभी जो है ना, हम इसे एक शेप दे देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से पकड़िएगा और दो तरफ से इस तरह से दबा के बस बीच में दबा दीजिएगा, तो ये एक शेप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बाकी के भी जो है इसे तैयार कर लेना है। आपको और एक दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये देखिए दोनों तरफ से पहले हम दबाएंगे फिर बीच में दबा देंगे, तो ये तैयार है बस। तो इसी तरह से जो बाकी के हैं तो इसे भी हमें तैयार कर लेना है। तो रोटी को हम फिर बेल के इस तरह से बाकी के सारे को तैयार करके रेडी कर लेते हैं। चलिए, ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार बनाओगे तो आपको बार बार बनाने का मन होगा, क्योंकि ये बनाने का तरीका भी बहुत सिंपल है और खाने में बहुत अच्छा है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये देखिए हमने दाल को अच्छी तरह से उबाल लिया है, ये पूरा गल ही चुकी है, लेकिन फिर भी हम ना यहाँ पे इसे थोड़ा घोट लेंगे। इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हम मतलब मैं घुटनी बोलती हूँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं अगर आप लोगों को पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसे हम इस तरह से दाल को पूरा अच्छी तरह से गला लेंगे। तो ये देखिए ये जो दाल है ना अभी गल चुकी है, तो अभी हम इसे ये जो हमने बना के रखा था आटे से हम इसे यहाँ पर डालेंगे। तो ये थोड़ा प्लेट में चिपक गई है नीचे में, तो बस अभी हम इसे इस दाल को कम से कम 10 मिनट के लिए हमें फिर से उबालना है, ताकि जो हमने आटे के ये डाले हैं ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो अभी हम इसे उबलने देते हैं 10 मिनट के लिए। तो आप खुद ही सोच सकते हैं इसका जो टेस्ट है वो कैसा हो सकता है। दो तरह का दाल है, इसके साथ ये आटे का लोई, इसके बाद हम इसमें तड़का भी लगाएंगे, तो इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। ये काफ़ी अच्छा मतलब बनता है और घर वालों को भी बहुत पसंद आता है, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये देखिए अभी हमने दाल को उबलने साइड में बैठा दिया है, अभी हम इसका तड़का लगा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल दे दिया है, तो हमने सूखी हुई मिर्च दे दिया है, थोड़ी सी साबुत जीरा दे देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। जीरा एक ऐसा मसाला है ना, तो आप कहीं में भी डाल दो, मतलब ये बहुत अच्छी लगती है। तो अभी बस मसाले को थोड़ा चटकने देते हैं। अभी हम प्याज डालेंगे कुटा हुआ। यहाँ पे प्याज को आपको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये हल्का सॉफ्ट हो जाए इतना ही काफ़ी है। तो अभी हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे, तो मैं यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ, अभी लहसुन डालेंगे, इसके बाद मिला लेंगे। यहाँ पर हम कुछ मतलब सूखी हुई मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे पहले हम हींग ऐड करते हैं, चुटकी भर हम हींग देंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी है हींग। हम अभी धनिया पाउडर देंगे थोड़ी सी, जीरा पाउडर देंगे और लाल मिर्च पाउडर देंगे। इसके बाद मसालों को कम से कम 30 से 40 सेकंड्स के लिए भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है।
इसके बाद हम तड़का लगा लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल थोड़ा कम ही डाला है, अगर आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये तैयार है, अभी हम इसे दाल में डाल देते हैं। दाल भी इधर अच्छी तरह से हो चुकी है, इस ये थोड़ा दाल थोड़ा गाढ़ी भी हो गई है। तो अभी तड़के को डाल के इसे मिला लेते हैं। आप इसे सिर्फ नाश्ते के जैसे नहीं, आप चाहे तो लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। हमने तो ये जो रेसिपी बनाया ना, हमने तो लंच में खाया है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें ना आप इसे तड़का लगाते समय अगर कुछ सब्जी वगैरह देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं, जैसे टमाटर, कैप्सिकम, लॉन्ग बीन, फ्रेंच बीन, ये सब सब्जी भी आप दे सकते हैं। मैंने थोड़ा सिंपल रखा, मैंने नहीं दिया है। तो ये देखिए मैं अपने हस्बैंड को मना कर दी हूँ कि अभी मत खाओ, सिर्फ 5 मिनट है, बन जाएगा तो मैं थाली भर के दूंगी, लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो ये ले लेके साइड से खा रहे। वीडियो में बता रही थी उनको कि मैं वीडियो कर रही हूँ, प्लीज़ अभी मत, लेकिन उसका उनका पेट में मतलब देख के मतलब खाने का इतना मन हो रहा था कि रुक ही नहीं रहे थे। तो ये अच्छी तरह से अभी हो चुकी है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही है देखने में, आपको भी शायद समझ में आ रही होगी कि कितनी टेस्टी बन सकती है ये। तो चलिए अभी हम इसे परोस लेते हैं, हम खाएंगे इसे लंच में। आप इसके साथ कोई अच्छी साथ चटनी ले लीजिए, या तो प्याज काट के ले लीजिए, हरी मिर्च ले लीजिए और बैठ के खाइए। क्या मोमोस वोमोस, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपको मेहनत भी कम है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में